Hello everyone, my name is Rama Luthra and welcome to Rama Luthra Classes. I am your mentor for SEBI Grade Examination. आज के इस Financial Awareness के लेक्चर में हम Green Shoe Option के concept को पढ़ने वाले हैं. Sir, आप कोई concept कैसे choose करते हो कि आज ये concept पढ़ाना है? आप book खोलते हो, आपको जो भी concept दिखता है आप वही पढ़ा देते हो? नहीं, ऐसा नहीं है. कोई भी आपकी लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज होती है और वो आपके सिलेबस से लिंक्ड होती है तो मैं ट्राई करता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट आपको मैं पढ़ा दूँ. तो आप सबको पता है कि पेटीएम के स्टॉक की लिस्टिंग हुई है और मार्केट के अंदर तबाही मची हुई है. पेटीएम का स्टॉक लिस्ट हुआ 2150 पे और लिस्टिंग वीक के अंदर आज के दिन पे 22 नवंबर को वो 37% के फॉल के साथ 1360 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है. तो इसके रिलेटेड सेबी का एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन शू ऑप्शन या प्राइस स्टेबिलाईजेशन मैकेनिज्म. मैंने पेटीएम का क्या कहते हैं रेड इनिंग प्रोस्पेक्टस फाइनल प्रोस्पेक्टस पढ़ा तो उन्होंने ग्रीन शू ऑप्शन नहीं लिया है, बट आपका कॉन्सेप्ट ऐसे लिंक्ड है तो मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि प्राइसेस गिर रहे हैं ना, तो उसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिसको प्राइस को स्टेबिलिटी दी जाए. हम पढ़ते हैं भाई स्टॉक के प्राइसेस गिरते कैसे हैं. स्टॉक के प्राइसेस गिरते कैसे हैं, अगर आपके स्टॉक के प्राइसेस में सेलिंग प्रेशर आ रहा है और डिमांड नहीं है तो स्टॉक के प्राइसेस गिरते रहेंगे. ऑन द अदर हैंड अगर आपकी डिमांड ज्यादा आ रही है स्टॉक की और कोई सेल करने वाला नहीं है तो प्राइसेस अप होते रहेंगे. तो इसके रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट है प्राइस स्टेबिलाईजेशन मैकेनिज्म. आपका कोई स्टॉक पहली बार आईपीओ के लिए जा रहा है, मार्केट के अंदर ट्रेड होने के लिए जा रहा है, तो वो स्टॉक वॉलेटाइल होगा. उसके डिमांड सप्लाई का पता नहीं, पहली बार मार्केट में जा रहा है, नए नए स्टॉक के सारे कहेंगे मैं खरीदूंगा मैं बेचूंगा, ऐसा तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा, तो वो वॉलेटाइल स्टॉक है. तो आपको सेबी अलाउ करता है कि आप अपने स्टॉक के प्राइसेस को स्टेबिलाईज करके चल सकते हो 30 डे के पीरियड तक. ज्यादा दिन तक नहीं, सिर्फ 30 डे के पीरियड तक स्टेबिलाईज कर सकते हो. अगर आप ज्यादा दिन तक अगर ऐसे काम करते रहोगे सेल परचेज का, अपने खुद डिमांड क्रिएट कर रहे हो, तो वो तो मैनिपुलेशन होगी ना स्टॉक की. नया नया स्टॉक है, आप स्टेबिलाईज करके चलो प्राइस को 30 डेज के लिए, ये बात भूली गई. ठीक है जी, इस कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया, अगर आपका स्टॉक के प्राइसेस गिर रहे हैं तो आप उसकी डिमांड को बढ़ा सकते हो, डिमांड को बढ़ा सकते हो ताकि प्राइस में कुछ स्टेबिलिटी आए. प्रमोटर को डर लग रहा है मेरा नया नया आईपीओ आ रहा है, मेरे आईपीओ के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं तो मैं उसको कुछ स्टेबिलिटी दूं, कुछ डिमांड क्रिएट करूं. तो इसके रिस्पेक्ट में एक स्टेबिलाइजिंग एजेंट को अपॉइंट किया जाता है. अच्छा, अगर आप शेयर्स अगर लिस्ट हो और उसके प्राइसेस अप है तब आप कुछ करोगे? तब आप कुछ नहीं करोगे. प्राइसेस अप जा रहे प्रमोटर खुश, अगर प्राइसेस नीचे जा रहे तभी तो दिक्कत है ना. तो उस केस में एक स्टेबिलाईजिंग एजेंट को क्या कहते हैं अपॉइंट किया जाता है और वो स्टेबिलाईजिंग एजेंट डिमांड क्रिएट करके प्राइस को स्टेबिलाईज करता है. अब वो डिमांड कैसे क्रिएट करेगा, उसके पास पैसा कैसे आएगा, हम उन सारी बातों को पढ़ने वाले हैं. इसके रिलेटेड आपको पता है ना क्या कहते हैं जो MCQs है वो मेरी ऐप पे मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लेना ऐप और MCQs को अटेम्प्ट करना. टेलीग्राम पे भी आपको इसका एक नोट मिल जाएगा. चलो जी, हम पढ़ते हैं एक स्टार्ट कैसे. तो 1 लाख शेयर का आईपीओ लेकर आए, 1 लाख शेयर का आईपीओ लेकर आए, बट जो शेयर्स अलॉट किए गए मार्केट के अंदर वो थे 1,15,000 शेयर्स. है ये क्या मतलब है, 15,000 शेयर्स कहां से आए? वो 15,000 शेयर्स प्रमोटर से बोरो किए. किसने? स्टेबलाइजिंग एजेंट ने. स्टेबलाइजिंग एजेंट ने वो बोरो किए. अब उसने 1 लाख के आईपीओ के अंदर ओवर अलॉटमेंट कर दी, 1,15,000, 15,000 मोर शेयर के अलॉटमेंट कर दी. आपको पता है ना मार्केट के अंदर डिमांड तो आती है, सब्सक्रिप्शन तो ज्यादा होता ही है, तो हमने 1 लाख शेयर की जगह 1,15,000 शेयर को अलॉट कर दिया और वो 15,000 शेयर का जो पैसा आया वो स्टेबलाइजिंग एजेंट ने अपने पास रख लिया, 1 लाख शेयर का पैसा कंपनी को दे दिया. ठीक है जी, हमें बात समझ आती है. हमने शेयर को बोरो किया फॉर ओवर अलॉटमेंट. किसने? स्टेबलाइजिंग एजेंट ने. अब स्टेबलाइजिंग एजेंट ने पब्लिक को अलॉट कर दिए गए शेयर. अब पब्लिक के पास 1,15,000 के शेयर है. अगर मार्केट के अंदर लिस्टिंग हुई और शेयर के प्राइसेस अप है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टेबलाइजिंग एजेंट कुछ नहीं करेगा. जो 15,000 उसने शेयर्स को लोन ले रखा है, जो वो लोन ले रखा है, उस केस में वो नए शेयर्स की एप्लीकेशन डालेगा सेबी के अंदर कि मैं 1 लाख नहीं 1,15,000 एक्स्ट्रा 15,000 शेयर्स की लिस्टिंग कराना चाहता हूं. ये सारी इंफॉर्मेशन होती है रेड हिलिंग प्रोस्पेक्टस फाइनल प्रोस्पेक्टस में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. उसमें बताया जाता है कि 15,000 शेयर अगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हो तो शेयर होल्डिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, सारी फिगर्स दी जाती है. तो 15,000 शेयर की फिर से एक रिक्वेस्ट दी जाती है सेबी को
कि हम 15,000 शेयर्स और लिस्ट कराना चाहते हैं और वो 15,000 शेयर्स फिर स्टेबलाइजिंग एजेंट प्रमोटर को वापस कर देता है। अगर मार्केट में प्राइसेस अप रहे, प्रमोटर को चाहिए ना 15,000 शेयर्स, तो 15,000 शेयर्स के हमने रिक्वेस्ट ली सेबी से, वो 15,000 शेयर्स आए, स्टेबलाइजिंग एजेंट को मिले और स्टेबलाइजिंग एजेंट ने वापस कर दिया प्रमोटर को। अगर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं तब स्टेबलाइजेशन का काम आ जाता है। प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट खरीद रहा है शेयर्स को, खरीदेगा कैसे, 15,000 शेयर्स के पैसे उसके अकाउंट में पड़े, ग्रीन शू ऑप्शन बैंक अकाउंट में पड़े, उसको हम ग्रीन शू ऑप्शन बैंक अकाउंट बोलते हैं। इसके अंदर 15,000 शेयर का पैसा पड़ा हुआ है, वो पैसा कितना होगा, जो लिस्टिंग का प्राइस था पेटीएम के केस के अंदर 2150 शेयर्स, 2150 रुपीस, इतने के हिसाब से 15,000 शेयर्स का पैसा स्टेबलाइजिंग एजेंट के पास पड़ा है। उस पैसे को यूज करके वो धीरे धीरे प्राइस को, शेयर्स को बाय करने लग जाएगा। अगर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, अब बाइंग प्रेशर, बाइंग करने वाला प्रेशर आ रहा है, शेयर के प्राइसेस अप होना स्टार्ट हो जाएगा, शेयर का प्राइसेस अप होना स्टार्ट हो जाएगा। यही तो स्टेबलाइजिंग है, यही तो स्टेबलाइजेशन का काम है, प्राइसेस को वापस ऊपर ऊपर लेकर आ रहा है प्राइसेस। अब जो वो शेयर्स को परचेज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसने 15,000 शेयर्स को परचेज कर लिया मार्केट से, 30 डेज तक ये स्टेबलाइजेशन का काम चल सकता है, नहीं तो फिर मैनिपुलेशन की उसमें एरिया में आ जाएगा। अब 30 डे एंड हुए, उसने 15,000 शेयर बाय करके प्राइस को स्टेबलाइज किया, डिमांड क्रिएट करके प्राइस को स्टेबलाइज किया। अब जितने भी इसके अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ग्रीन शू ऑप्शन का जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है उसके डीमैट अकाउंट में जितने भी शेयर है, फॉर एग्जाम्पल 15,000 के 15,000 उसने बाय कर लिए, वो शेयर उठाकर प्रमोटर को वापस कर देगा, ये लो आपके 15,000 शेयर जो मैंने आपसे बोरो किए थे वापस ले लो। ऑन द अदर एंड अगर ये 10,000 होता तो क्या होता, 10,000 शेयर्स वो प्रमोटर को वापस कर देता और फिर सेबी के पास रिक्वेस्ट आता 5,000 शेयर्स की और की लिस्टिंग कराना चाहता हूं मैं, और 5,000 शेयर्स नए आते, वो प्रमोटर्स को वापस कर दिए जाते हैं। बात समझ में आती है, बात समझ में आती है, हाँ जी हमें बात समझ में आती है। यही सारा स्टेबलाइजिंग का काम है, यही सारा स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम है। इसके रिस्पेक्ट में आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, सबसे पहली बात, जितने का भी इशू है, जितने का भी इशू है, फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 शेयर, उसका मैक्सिमम 15% शेयर्स ही स्टेबलाइजिंग एजेंट को दी जाते हैं। इस केस के अंदर 15,000 शेयर्स स्टेबलाइजिंग एजेंट के पास जाएंगे, ये लिमिट है, सेबी ने सेट कर रखी है। आपका स्टेबलाइजेशन का पीरियड 30 डेज तक ही हो सकता है, 30 डेज तक ही अपने शेयर्स को बाय कर सकते हो वाया स्टेबलाइजिंग एजेंट, 30 डेज तक आप अपने शेयर्स को स्टेबलाइज कर सकते हो। तो ये दो बहुत ही पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूरा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको इसके रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी ऐप पे जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा। इसके रिलेटेड नोट्स आपको सेबी ग्रेडर के बैच में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।